हेलो स्टूडेंट्स, आप में से जो है बहुत सारे बच्चे जेईई मेन का एग्जामिनेशन दे चुके हैं। सेशन वन एग्जामिनेशन एंड सेशन टू एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब वेट है कि रिजल्ट कब आएगा। इस साल जेईई मेन 2024 में एक्सपेक्टेड है कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा सकता है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा हूं कि जेईई मेन 2024 का कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए, आप जेईई मेन 2022 के बारे में सबसे पहले यहां पर देखिए, तो जेईई मेन कट ऑफ 2022 के अंदर कितना गया था आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,26,000 स्टूडेंट्स सेशन वन एंड सेशन टू कंबाइंड डेटा जो है आप लोग के लिए यहां पर हम लेके आए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो 1,26,000 बच्चे जो हैं जेईई मेन 2022 के अंदर अपीयर किए थे। मैंने कैटेगरी वाइज एंड जो है कॉमन रैंक लिस्ट जो CRL कट ऑफ होता है उसे जनरल के अंदर यहां पर आप लोग के सामने प्रेजेंट किया है। तो आप देखिए, यहां पर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 88.41% यहां पर गया था। देन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 63.1114 हमें दिख रहा है, OBC 67, देन SC 43, ST 26। ये कुछ रफ कट नंबर्स आपने यहां पर देखे जो आपके परसेंटाइल कट ऑफ रहा था जेईई मेन 2022 में। अब देखो, एक छोटा सा सिंपल सा एनालिसिस करते हैं हम यहां पर। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आप यहां देख रहे हैं 88.41 परसेंटाइल अगर कट ऑफ है, इसका मतलब 11.6 परसेंटाइल बच्चे जो है सेलेक्ट हुए। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आप लोग को जो है यहां पर करके दिखाता हूं मैं। अगर मैं 11.6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मुझे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे। मल्टीप्लाई करता हूं मैं 10,26,000 से तो मेरे पास नंबर आता है 1,19,016। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अराउंड 1,00,000, वी कैन से दिस एज 20,000, 1,20,000 एस्पिरेंट्स एलिजिबल हुए थे जेईई एडवांस लिखने के लिए। ये कट ऑफ रहा था 2022 के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं यहां पर कि 23 में क्या रहा था। जैसे जैसे हम शिफ्ट ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट जेईई मेन के अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। जेईई मेन 2023 के अंदर जो था 11,13,000 एस्पिरेंट्स अपियर किए थे, सेशन वन एंड सेशन टू का जो है ये कंबाइंड डेटा है बच्चों। देन यहां पर अगर आप देखेंगे तो परसेंटाइल जो कट ऑफ था वो थोड़ा ऊपर गया, 90.778 जो है परसेंटाइल कट ऑफ गया। अगेन हम सेम एनालिसिस करके देखते हैं, अगर 90.778 है तो मैं रफली कह सकता हूं दैट 9.2 परसेंटाइल बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हुए हैं जेई एडवांस लिखने के लिए। अगेन लेट्स डू द सिंपल मैथमेटिक्स एंड लेट्स चेक कि कितना नंबर आता है। सो 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 11,13,000, ठीक है। अब जो मेरा नंबर यहां पर निकल के आ रहा है वो 1,03,000 के आसपास जो है ये नंबर निकल के आ रहा है। सो 1,03,000 के आसपास ये नंबर निकल के आया। थोड़ा सा वेरिएशन यहां पर आपको देखने को मिला कि सर ये जो है नंबर इतना निकल के यहां पर आ रहा है। अगर आप मोटा मोटा पकड़ते इसे 9-10% भी तो आपको दिख रहा है यहां पर 1,11,000 के बच्चे जो है एलिजिबल होते CRL के अंदर, कॉमन रैंक लिस्ट के अंदर जेई एडवांस लिखने के लिए। आप देखिए EWS की जो है कट ऑफ जो है वो ये रही थी, देन OBC की ये रही थी, SC एंड ST आप लोग के सामने मैंने यहां पर शो कर दी। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जेई मेन 2024, क्या कट ऑफ यहां बढ़ेगा? इट इज ऑब्वियस बच्चों की जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास नहीं रहने वाला है। आप एक मोटा नंबर जो है 92 या 93 अज्यूम कर सकते हैं जहां पर जेईई मेन 2024 का कट ऑफ जाने वाला है। एंड इसके पीछे एनालॉजी सेम है कि अगर आप देखेंगे कि 1,00,000 से 1,10,000 के आसपास अगर वो बच्चे एलिजिबल करते हैं जेईई एडवांस लिखने के लिए, सो दिस इज आर प्रेडिक्शन दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर दैट जेईई मेन 2024 के अंदर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स सेशन वन एंड सेशन टू के अंदर 14,00,000 हो जाते हैं बच्चों। देन अगर इस कैलकुलेशन से हम जो है अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं तो जैसा मैंने एक नंबर बोला था आपको लास्ट ईयर 90.7 वॉज द कट ऑफ, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल जो है 92.5 से 93.5 के बीच में कॉमन रैंक लिस्ट जनरल कट ऑफ जा सकती है। अब देखो, इस साल का जो है केस थोड़ा सा यूनिक क्यों हो जाता है। जब आपका सेशन वन का एग्जामिनेशन हुआ तो शिफ्ट के अंदर जो डिफिकल्टी था वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड था। हमने देखा कि जो स्टार्टिंग में पेपर हुए थे 27 जनवरी 28 जनवरी वो थोड़े इजी हुए थे।
इस वजह से वहां पर बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा हाई गए। आपने देखा कि उस वाले शिफ्ट के अंदर जो है परसेंटाइल जो थी बच्चों की जो है कम बनी थी एवरेज मार्क्स में, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, उसी शिफ्ट के अंदर जो है पेपर को जो है बाद में डिफिकल्ट कर दिया गया। अब यहां पर चैलेंज ये आ गया कि जिन बच्चों के पेपर डिफिकल्ट आए थे उनकी परसेंटाइल कम हो गई, वो एलिजिबल नहीं हो पाए। जब सेशन टू में वो बैठे तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे, सेशन टू में उन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी एंड वो अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव कर चुके होंगे। सो दैट इज द स्पेशल केस कि जो बच्चे थोड़े से वीक थे वो भी अच्छी परसेंटाइल ले आए थे जेई मेन सेशन वन में, बिकॉज द पेपर वॉज ईजी देयर इन सम शिफ्ट्स। उनकी परसेंटाइल अच्छी आई तो उन्हें कट ऑफ क्लियर करने का मौका सेशन वन में ही मिल गया। जो बच्चे डिफिकल्ट पेपर होने की वजह से अच्छी कट ऑफ जो है अच्छी परसेंटाइल नहीं लेके आ पाए थे सेशन वन में, बेशक उन्होंने जो है सेशन टू के अंदर जो है मेहनत करके अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करी होगी। सो दिस इज ए स्पेशल केस जहां पर आप जो है 91.5 भी मान के मत चलना। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यहां पर दैट 92.5 से 93.5 के बीच में जनरल की जो है यहां पर कट ऑफ रहने वाली है। देन रेस्पेक्टिवली सेम एल्गोरिदम को हमने यहां पर यूज करते हुए EWS एंड OBC का जो है लास्ट ईयर जो है लास्ट टू ईयर्स जो डेटा ट्रेंड था उसको एनालाइज करते हुए 79-80 वी कैन प्रेडिक्ट की अपनी इतनी जो है परसेंटाइल कट ऑफ रहेगी। सिमिलरली फॉर SC इट कैन गो टू 64-65% एंड फॉर ST इट कैन गो टू 48-49%। अब देखो लगा होगा कि सर इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा रही है, ठीक है यार। देखो JEE एक एग्जाम है जिसके अंदर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। इस जर्नी के अंदर जो है आपको हार्ड वर्क तो करना ही होता है, साथ साथ कंटिन्यूस डेडिकेटेड जो है एफर्ट्स पुट करने होते हैं। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसकी 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सर क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर हमें कोई और कॉलेज चूज कर लेना चाहिए, इसका एक करेक्ट आंसर आप अपने खुद के मन से ही पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको गाइड करता है कि आप रिपीट कर लीजिए बट आपकी इच्छा नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसको मन में लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली उस केस के अंदर जो है आपको रिपीट करना चाहिए, बिकॉज अगर जो एग्जाम बनाने वाली बॉडी है वो सोचती है कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स तो देने ही चाहिए बच्चों को, तो आप क्यों जल्दी हार मान जा रहे हैं। तो आप उस चीज में कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन तो आप उसके अंदर रीअपियर करिए, ड्रॉप लीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक साल जो है अपना इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली चूज योर कॉलेज टू NIT, IIIT और एनी अदर कॉलेज ऑल्सो। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मैनिट के अंदर जो है हम लोग के साथ जो है ड्रॉप के अंदर जो है आपकी रिपीटर की जर्नी में हेल्प चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू दैट इन द मंथ ऑफ मे वी आर स्टार्टिंग द बैचेस फॉर द JEE मेन ड्रॉपर बैचेस, जहां पर आपको जो है 11th एंड 12th का कंप्लीट डिटेल स्टडी फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू जनवरी कराया जाएगा। एंड यू कैन फॉलो अस एंड सी ऑल द डिटेल्स ऑन द मेरिट वेबसाइट। थैंक यू बच्चों।